इन दोनों सामाजिक संस्थाओं के जो है संपूर्ण समाज जो है वो चक्कर काटता है। जब से मानव समाज जो है अस्तित्व में आया है, ये विद्यमान रही है और इन्होंने जो है वो मानवीय क्रियाओं, अंतक्रियाओं, संबंधों, प्रक्रियाओं, समूहों तथा संगठनों पर जो है गहरा प्रभाव डाला है। परिवार तथा विवाह दोनों के स्वरूप में जो है समय समय पर जो है वो परिवर्तन होता रहता है। समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री व अन्य विद्वान इन दोनों संस्थाओं का अध्ययन जो है वो करते रहे हैं। उनके अतिरिक्त जनगणना प्रतिवेदनों तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से भारतीय समाज के जो है उभरते परिवार और विवाह के स्वरूपों का पता चलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1988-99 में जो है देश में 26 राज्यों के आंकड़े जो है वो एकत्रित किए गए हैं। यह सर्वेक्षण वैसा ही है जैसा देश में अन्य देशों में जो है जाने के स्वास्थ्य सर्वेक्षण होते हैं। सर्वेक्षण में जो है कुटुंब के वयस्क से जो है वो प्रश्नावली के माध्यम से जो है वो परिवार के सदस्यों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित की जाती है। आयु लिंग, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, शिक्षा का स्तर तथा वैवाहिक स्थिति के बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित करके जो है उनका विश्लेषण किया जाता है। ऐसी सूचनाओं से जो है वो भारत में उभरते परिवार के स्वरूप का पता चलता है। अब भारत में जो है वो परिवार के कौन कौन से उभरते स्वरूप हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि भारत जो है एक विविध समाज है। यहाँ पर जो है वो 25 करोड़ से भी अधिक जो है वो कुटुंब पाए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपार प्रगति हुई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और आधुनिक व्यवसायों के विकास के कारण जो है देश के परिवारों के स्वरूपों में काफ़ी परिवर्तन आया है। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकरण, भूमंडलीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण आदि सामाजिक प्रक्रियाओं के चलते परिवार के जो है नए स्वरूप उभर कर सामने आए हैं। भारत में परिवार के जो उभरते नए स्वरूप हैं वो इस तरह से हैं। एक तो एकांकी परिवार है कि भारत में जो है एकांकी परिवार उभरा हुआ प्रमुख स्वरूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2/3 से अधिक परिवार जो है एकांकी परिवार है। भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1988-99 के अनुसार जो है इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों में सब परिवारों में जो है अधिकांशतः जो है वो 55.3 जो है एकांकी परिवार पाए जाते हैं। और जो गैर अनुसूचित जनजातियां हैं या अनुसूचित जातियां हैं मैं जिनमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर हिंदू धर्म के सदस्य सम्मिलित है, उन सब प्रकार के परिवारों में जो है आधे से कम परिवार जो है उनका स्वरूप जो है वो एकांकी है। और धर्म के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि हिंदुओं में जो है आधे से कम जो है 48.7 तथा गैर हिंदुओं में जो है वो 50.5 परिवार जो है एकांकी है। दूसरे जो है अनुपूरक एकांकी परिवार है, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली है। समाजशास्त्र में जो है वो अनुपूरक एकांकी परिवार का उल्लेखन होता है। विभिन्न राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर यह परिवार का जो है एक उभरता हुआ स्वरूप है। यह एक ऐसा परिवार है जिसमें परिवार का मुखिया तथा पति या पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे तथा साथ में ऐसे अन्य संबंधी जिनका वर्तमान में पति या पत्नी ना हो, या फिर परिवार का मुखिया बिना पति या पत्नी के या अविवाहित बच्चों के साथ परंतु अन्य अविवाहित विवाह विच्छेद अथवा विधवा जैसे संबंधी भी अनुपूरक एकांकी परिवार है। देश का हर पांचवा परिवार जो है श्रेणी में आता है। उत्तर भारत के राज्यों में जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान शामिल है, इन पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में ऐसे परिवारों की संख्या का अनुपात जो है वो कम है। फिर तीसरा जो है एक सदस्य परिवार है। ये परिवार का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है। यूं तो देश के सब प्रकार के परिवारों में इनकी संख्या जो है केवल 1% है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी संख्या जो है वो 25 लाख से अधिक है, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। राज्य स्तर पर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो
4.1% और नागालैंड में 3.7% तथा हिमाचल प्रदेश में 3.4% परिवार ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही सदस्य है। फिर एकांकी परिवार के मुखिया की आयु, यह भी एक रोचक तथ्य है कि भारत में अधिकांश एकांकी परिवारों में जो है 59.1% जो है उनके मुखिया की आयु जो है वो 40 वर्ष से कम है। केवल 20% संयुक्त परिवारों के मुखियों की आयु 40 वर्ष से कम है। पारंपरिक रूप से ये धारणा है कि बुजुर्ग जिनकी आयु जो है सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक होती है वे परिवार के मुखिया होते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही चित्र प्रस्तुत करते हैं। लगभग 40% संयुक्त परिवारों में और 14% एकांकी परिवारों के मुखिया है बुजुर्ग है। यदि क्षेत्र वार जो है वो तुलना की जाए तो उत्तर भारत के राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में 50% से अधिक बुजुर्ग संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। फिर एक जो और परिवार उभरता हुआ जो है उभरा है वो नवस्थानीय परिवार है। यह परिवार का एक ऐसा स्वरूप है जिसके प्रांत जो है वो विवाह प्रांत जो है वो पति पत्नी अपने घर में जो है निवास करते हैं। वह लड़की या लड़की के घर नहीं रहते, बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, व्यवसायों तथा नौकरी के लिए पैतृक निवास स्थान से स्थानांतरण के चलते जो है नवस्थानीय परिवारों की संख्या जो है निरंतर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त विवाह के पश्चात लड़की के ऊपर जो है ससुराल की कई जिम्मेवारियाँ आ जाती है, परंतु विशेषतः उच्च शिक्षित लड़कियों को नौकरी के अनेक अवसर जो है वो उपलब्ध होते हैं, इसलिए वे ससुराल के बजाय जो है वो विवाह उपरांत नए घर में जो है स्थानांतरित जो है वो कर जाती है। वर्तमान युवा पीढ़ी उनमें से जो है मुख्यतः शिक्षित युवा पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर आधुनिक व्यवसाय की तलाश में पैतृक स्थान से अन्य स्थानों में चले जाते हैं, इसलिए भी विवाह के पश्चात जो है वो पैतृक घर में जो है स्थायी रूप से वो नहीं रह पाते हैं। फिर एक विवाह परिवार है। विवाह विपरीत लिंग के दो वयस्कों में विवाह से निर्मित परिवार को जो है वो एकांकी विवाह एक विवाही परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार देश में जो है मुख्यतः संपन्न और उन्नत समाजों में जो है वो पाए जाते हैं। फिर वंश के आधार पर है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट भारत में मुख्यतः जो है वो पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, परंतु अंतरजातीय, अंतर धार्मिक, अंतर जनजातीय तथा अंतर क्षेत्रीय विवाहों के कारण संतान के वंश संबंधी स्थिति बदल जाती है। स्थान को पिता या माता या फिर दोनों का वंश जो है वो माना जाता है। फिर सत्ता के आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी सत्ता के आधार पर जो है वो पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवारों के स्वरूपों में काफ़ी परिवर्तन आया है। परिवार में शिक्षित नौकरी करने वाली महिलाएं सदस्य होने से जो है निर्णय करने में जो है पद्धति बदली है। पारिवारिक मामलों में निर्णयों में महिलाएं जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों में भी जो है वो महिलाओं का बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने से जो है परिवार के निर्णयों में बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग लेने लगी है। फिर बच्चे केंद्रित परिवार है। ये भारत में परिवार का उभरता हुआ एक नया स्वरूप है। ऐसे परिवार में पारिवारिक निर्णयों में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके निर्णयों में शिक्षा, नौकरी और विवाह करने तथा घर में गाड़ियां तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के खरीदने संबंधी निर्णय प्रमुख होते हैं। जहां तक शिक्षा संबंधी निर्णय का प्रश्न है, बच्चे इस बात का निर्णय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा अकादमिक या फिर व्यावसायिक जो है वो ग्रहण करनी है, कहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है, क्या व्यवसाय अपनाना है, पुश्तैनी या फिर कोई अन्य या प्रतियोगिता के माध्यम से रोजगार पाना है। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों में बच्चे अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार अपने विवाह को करने समय स्थान किस लड़की या लड़की से विवाह किया जाए, ऐसे फैसले बच्चों के द्वारा लिए जाने लगे हैं। भारत में उभरते विवाह के उभरते स्वरूप क्या है? भारतीय समाज में जो है वो विवाह ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का जो है एक द्वार है। पितर ऋण से मुक्ति होने का एक माध्यम भी है। मानव जीवन का महत्वपूर्ण ये उत्सव है, एक संस्कार है, समाज की मूल संस्था है। स्त्री पुरुष को जो है जीवन साथी बने
एक साथ रहने का अधिकार प्रदान करने वाली व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों के ताने बाने को बड़ा करने का ये साधन है, माध्यम है, नातेदारी का जो है वो विस्तार करने की विधि है। भारत में विवाह एक प्रागैतिहासिक संस्था रही है। समय समय पर जो है अवस्था अनुसार तथा लोक रीतियों व कानून के अनुसार विवाह के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान समय में विवाह के जो नए स्वरूप जो है वो उभरे हैं, उनमें जो है स्त्रियों की विवाह के समय औसतायु में जो है वो वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है भारत में सैकड़ों वर्ष तो बाल विवाह का प्रचलन रहा है। छोटी उम्र में जो है वो विवाह करने से जो था मन मस्तिष्क और जीवन में प्रकृति के ऊपर विपरीत प्रभाव को देखते हुए आजादी के पश्चात जो है लड़कियों में विवाह के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की गई। 1951 की जनगणना प्रतिवेदन से पता चलता है कि 1951 में जो है महिलाओं की विवाह के समय औसतन आयु 5.2 थी और 1971 में जो है बढ़कर 17.8, 1991 में जो है 9.3 और 2011 में 21 वर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1951 से 2011 के दौरान जो है 60 वर्ष की अवधि में जो है स्त्रियों की विवाह की अवधि लगभग 15 वर्ष से बढ़कर जो है वो 21 वर्ष हो गई है। महिलाओं की विवाह के समय औसतन आयु में जो है वो निरंतर वृद्धि जो है वो भारतीय समाज में एक सकारात्मक संकेत है। उत्तर भारत के राज्यों में जो है महिलाओं के विवाह का समय जो है जम्मू कश्मीर में 24.7, राजस्थान में जो है 19.7 है। इस बात को दर्शाता है कि राज्यों में जो है वो महिलाओं की विवाह के समय औसतन आयु में जो है वो काफ़ी अंतर आता है। दूसरा जो है वो पुरुषों की विवाह के समय जो है औसतायु में भी जो है वो वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है वो पुरुषों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दिया गया। अर्थात ये अब स्पष्ट हो रहा है कि स्त्री पुरुष दोनों में जो है स्वतंत्रता के समय की तुलना में जो है 20वीं शताब्दी की अपेक्षा जो है वो वर्तमान समय में जो है अधिक उम्र में विवाह करने का रुझान जो है वो बढ़ा है। फिर कम आयु में महिलाओं के विवाह में भी जो है वो कमी देखने को मिल आई है। महिलाओं के कम आयु में जो है विवाह करने से जो है उनके संतान उत्पत्ति की अवधि जो है वो 15 से 49 अधिक होती है, जिससे अधिक जन्म दर होने की संभावना बनी रहती है। विभिन्न जैनिक प्रतिवेदनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 1971 में देश में अधिकांश दर जो था वो 56.3% लड़कियों का विवाह 15 से 19 वर्ष के दौरान कर दिया गया। उत्तर भारत में तो 2/3 65.5 महिलाओं की शादी 20 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाती थी। राजस्थान में 4 में से 3 लड़कियों का विवाह जो है 19 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हो जाता था। प्रस्तुत आंकड़ों से जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो महिलाओं का कम आयु में अर्थात 19 वर्ष या इससे पूर्व विवाह करने में जो है वो भारी कमी आई है। 1971 में ये आंकड़ा जो था वो 56.3 से कम होकर जो है 19.9 हो गया है। जनगणनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सन 1971 में पुरुषों के विवाह के समय औसतन आयु 22.6 वर्ष हो गई थी। यह रोचक तथ्य है कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में जो है वो पुरुषों के विवाह के समय औसतन आयु में 1971 से लेकर 2011 के दौरान जो है और जो है लगातार अंतर आ रहा है। सन 1971 में उत्तरी राज्यों में जो है औसतन आयु 20.6% थी, जबकि दक्षिण राज्यों में 24.9 थी। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच 4 वर्ष से भी अधिक का अंतर है। 2011 की जनगणना में ये अंतर जो है वो कम होकर 1.6 रह गया है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का संबंध है, 2011 में जो है वो पुरुषों के विवाह के समय औसतन आयु जो है वो 25.4 है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं तथा पुरुषों के विवाह के समय औसतन आयु में जो है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान पीढ़ी के सदस्य जो है वो देश के युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने तथा आधुनिक व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उन्मुख हो रहे हैं। व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करके जो है वो प्रतियोगिता कर नौकरी पाने के पश्चात विवाह के रुझान, अन्य शब्दों में 1971 में जहाँ
देश में 56.3% लड़कियों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाता था। 2011 में जो है ये 20% लड़कियों का विवाह 19% तक आयु में जो है वो हो रहा है। फिर पत्नी पति पत्नी का जो है विवाह से पूर्व परिचय भी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग, दूरसंचार तथा यातायात के बढ़ते साधन, उद्योगों और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बढ़ते रोजगार के अवसरों के चलते जो है युवा घरों से दूर स्थित स्थानों की ओर जो है जाने लगे हैं। सोशल मीडिया से दूर स्थित युवाओं को जो है एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने का कार्य किया है। फलस्वरूप युवकों लड़के लड़कियों के आपस में परिचित होने के अवसर जो है वो बढ़े हैं। सामान्यतः शैक्षणिक पृष्ठभूमि जैसे रोजगार तथा घर से दूर सामान्य स्थान पर जो है निवास इत्यादि के कारण जो है लड़के लड़कियों के बीच में आपसी परिचय हो जाते हैं। तत्पश्चात वे पर्णय सूत्र में जो है वो बंधने का महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। यहाँ पहले लड़के लड़की से विवाह से पूर्व रिश्ता करने की प्रक्रिया जो है वो माता पिता पुरोहित रिश्तेदार तथा समाज के अन्य वृद्ध और अनुभवी लोग आरम्भ करते थे। इसके विपरीत जो है वो विवाह से पूर्व परिचय होने के कारण लड़का लड़की विवाह करने की प्रक्रिया शुरू करने लगे हैं। ऐसा करने से जो है वो लड़के लड़कियों की संख्या जो है वो निरंतर जो है वो बढ़ रही है। फिर अंतरजातीय विवाह की बात में अपनी जाति के सदस्यों के साथ विवाह की जाने की परंपरा रही है। कानून अंतरजातीय विवाह की अनुमति है, फिर भी परंपराओं, परिवारों, नातेदारी, जाति, धर्म और समाज के दबाव और प्रभाव के कारण सामान्यतः अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ विवाह किया जाता रहा है। पिछले कुछ दशकों के दौरान जो है देश में अंतर्जातीय विवाह भी जो है वो बढ़े हैं और संयुक्त परिवारों की निरंतर व्यक्ति संख्या, बढ़ती भौगोलिक और व्यावसायिक गतिशीलता, फिल्मों, दूरदर्शन और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, भूमंडलीकरण आदि के कारण जो है वो अंतर्जातीय विवाहों को जो है इसमें बढ़ावा मिला है। फिर बढ़ता जो है वो विवाह विच्छेद दर भी है। जो है वो शताब्दियों से जो है वो विवाह को सृष्टि उसके बीच जो है जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन जो है वो माना जाता रहा है। धार्मिक संस्कार जो है वो माना जाता रहा है। आधुनिकता तथा पश्चिम संस्कृति का विवाह पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पश्चिमी समाजों में विवाह को सृष्टि पुरुष के बीच में जो है सामाजिक समझौता माना जाता है। महिलाओं को अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के प्रति चेतना बढ़ी है। आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर यह पारंपरिक धारणा बदल रही है कि पति परमेश्वर होता है। महिलाओं को जो है घरेलू कार्यों के लिए अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक गतिविधियों में जो है वो भागीदारी बढ़ी है। देश में जो है वो विवाह विच्छेद बढ़ रहे हैं। भारत में जो है विवाह विच्छेद संबंधी सही स्थिति जानने के लिए जो है जनगणनाओं के आंकड़े जो है 6 में दिए गए हैं। इन सूचनाओं से जो है निम्नलिखित तथ्य जो है वो स्पष्ट होते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश में 1000 विवाहित महिलाओं की जो है 1991 में विवाह विच्छेद दर जो है वो 6.5 से बढ़कर जो है 2011 में जो है 9.7 हो गई है। विवाहित महिलाओं में विवाह विच्छेद की जो दर है वो निरंतर बढ़ रही है। देश में विवाहित महिलाओं में से लगभग 1% का विवाह जो है वो विच्छेद हो जाता है। पंजाब में जो है 1991 से जो है 2011 के दौरान जो है मात्र 20 वर्षों की अवधि में 1000 विवाहित महिलाओं में जो है विवाह विच्छेद की दर जो है 0.9 से बढ़कर जो है वो 6.5 हो गई है। वर्तमान समय में उत्तर भारत की तुलना में जो है वो दक्षिण भारत में भी जो है 14.5 जो है वो विवाह विच्छेद की दर जो है वो 3 गुना से भी अधिक है। उत्तर और दक्षिण भारत राज्यों में भी जो है विवाह विच्छेद की दर में जो है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि भारत में जो है वो विवाह के ऊपर थे सब कौन कौन से हैं। तो इतना ही आज डिस्कस करेंगे।